जय श्री राम। जो भी हनुमान जी के प्रमभक्त है वह चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखें। बजरंग बाण का पाठ करना हनुमान जी को अति प्रिय है। हनुमान चालीसा और बजरंग बाण के पाठ हमेशा बोलकर करने चाहिए, जबकि मंत्र द्वारा आराधना में मंत्र को मन ही मन उच्चारण करना चाहिए। हनुमान जी के बजरंग बाण की महिमा अपार है। ऐसी मान्यता है कि जो भक्त नियमित रूप से बजरंग बाण का पाठ करते हैं उनके लिए यह अचूक बाण का कार्य करता है। किसी भी कार्य की सिद्धि के लिए बजरंग बाण का प्रयोग करने से कार्य अवश्य ही सिद्ध होता है। आए बजरंग बाण पाठ करने के लाभ। नियमित रूप से बजरंग बाण का पाठ करने से सभी प्रकार से भय आदि से मुक्ति मिलती है और आत्मविश्वास बढ़ता है। यदि आप अपने शत्रुओं से परेशान हैं, तो बजरंग बाण का नियमित 7 बार पाठ करें और मात्र 21 दिन में ही आपके शत्रु परास्त होने लगेंगे। अपने व्यापार और कारोबार में वृद्धि के लिए अपने ऑफिस कार्यस्थल पर 5 मंगलवार तक 7 बार बजरंग बाण का पाठ करें। जिन व्यक्तियों के बने बनाए कार्य बिगड़ जाते हो उन्हें अपनी दैनिक पूजा में बजरंग बाण का पाठ अवश्य करना चाहिए। नियमित रूप से बजरंग बाण का पाठ व्यक्ति में साहस बढ़ाने के साथ साथ सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। कदली वन या कदली वृक्ष के नीचे बजरंग बाण का पाठ करने से विवाह की बाधा खत्म हो जाती है, यहाँ तक कि तलाक जैसे कुयोग भी टलते हैं। अगर किसी प्रकार के ग्रह दोष से पीड़ित हों तो प्रातः काल बजरंग बाण का पाठ आटे के दीप में लाल बत्ती जलाकर करें। ऐसा करने से बड़ा ग्रह दोष पल भर में टल जाएगा। राहु से नुकसान की भरपाई। अगर शनि राहु केतु जैसे क्रूर ग्रहों की दशा महादशा चल रही हो तो उड़द दाल के 21 या 51 बड़े एक धागे में माला बनाकर चढ़ाएं। सारे बड़े प्रसाद के रूप में बांट दें। आपको तिल के तेल का दीपक जलाकर सिर्फ 3 बार बजरंग बाण का पाठ करना होगा। अगर किसी कारणवश जेल जाने के योग बन रहे हों या फिर कोई संबंधी जेल में बंद हो तो उसे मुक्त कराने के लिए हनुमान जी की पूंछ पर सिंदूर से 11 टीका लगाकर 11 बार बजरंग बाण पढ़ने से कारागार योग से मुक्ति मिल जाती है। अगर आप हनुमान जी को 11 गुलाब चढ़ाते हैं या फिर चमेली के तेल में 11 लाल बत्ती के दीपक जलाते हैं तो बड़े से बड़े कोर्ट केस में भी आपको जीत मिल जाएगी। कई बार पेट की गंभीर बीमारी जैसे लीवर में खराबी, पेट में अल्सर या कैंसर जैसे रोग हो जाते हैं। ऐसे रोग अशुभ मंगल की वजह से होते हैं। अगर इस तरह के रोग से मुक्ति पानी हो तो हनुमान जी को 21 पान के पत्ते की माला चढ़ाते हुए 5 बार बजरंग बाण पढ़ना चाहिए। ध्यान रहे कि बजरंग बाण का पाठ राहुकाल में ही करें। पाठ के समय घी का दीप जरूर जलाएं। अगर नौकरी छूटने का डर हो या छूटी हुई नौकरी दोबारा पानी हो तो बजरंग बाण का पाठ रात में नक्षत्र दर्शन करने के बाद करें। इसके लिए आपको मंगलवार का व्रत भी रखना होगा। अगर आप हनुमान जी को नारियल चढ़ाने के बाद उसे लाल कपड़े में लपेटकर घर के आग्नेय कोण रखते हैं तो मालिक स्वयं आपको नौकरी देने आ सकता है। कई बार घर में वास्तु दोष के चलते कई समस्या हो जाती है, तो घर में वास्तु दोष दूर करने के लिए 3 बार बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए। हनुमान जी को लाल झंडा चढ़ाने के बाद उसे घर के दक्षिण दिशा में लगाने से भी वास्तु दोष से मुक्ति मिलती है। घर में सकारात्मक ऊर्जा के लिए पंचमुखी हनुमान की प्रतिमा घर के मुख्य द्वार पर लगाएं।